लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। आरजेडी ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आरजेडी गठबंधन से इस चुनाव में कम से कम 2 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार आरजेडी को 1 सीट मिलेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव पर चर्चा हुई। इस चुनाव में आरजेडी 2 सीटों पर जीत के दावे कर रहा है, साथ ही गठबंधन से 3 से 4 सीटों की मांग कर रहा है। आरजेडी को पूरा विश्वास है कि उस 2 सीटों पर जरूर जीत मिलेगी। 3 सीट का डिमांड किया है, 4 सीट का, लेकिन 2 सीट तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे। इसमें कोडरमा है, चतरा है, पलामू है, इसमें से 2 सीट हमको मिलेगी और पूरा इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के दावे के विपरीत गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस ने सभी दलों के सीट शेयरिंग पर अपना नजरिया साफ कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने एक भेंट में कहा है कि 7, 5 और 1-1 के आधार पर सीट शेयरिंग होगा, यानी कि कांग्रेस के अनुसार आरजेडी को 1 सीट ही मिलेगी। एकदम जो बोल रहा है एकदम कोई पेच नहीं है, क्रिस्टल का तरफ साफ है। आप जानते हैं 7, 5, 1-1 बस, 7, 5, 1-1 ये तो पहले से। घोषणा कब तक हो जाएगी? घोषणा हम लोग बोले कि अब भी हम बोलते हैं कि 2.5 महीना चुनाव का है और हमारा 4th फेज में है। आलमगीर आलम और आरजेडी के बयान में विरोधाभास साफ नजर आ रहा है, यानी कि आरजेडी कम से कम 3 सीट मांगेगा और कांग्रेस 1 सीट पर ही अड़ेगी। तो क्या सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला आरजेडी को मंजूर होगा, और यदि नहीं मंजूर हुआ तो गठबंधन पर इसका क्या असर होगा? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। सीट शेयरिंग में हो रही देरी से राजद के वैसे उम्मीदवारों के बीच बेचैनी है जिसने चुनाव लड़ने का सपना पाल रखा है। पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ऐसे ही नेताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि सीट जल्दी मिलने से प्रत्याशियों के लिए अच्छा होता है। कामेश्वर बैठा से बात की हमारे संवाददाता अजय लाल ने। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। INDIA में अब तक सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। राजद में खलबली है, बेचैनी है, कितने सीट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पलामू से पूर्व सांसद और राजद के नेता कामेश्वर बैठा जी। सर, क्या लग रहा है, कितने हिस्सेदारी में सीटें मिलेंगी आप लोगों को? देखिए, हमारी पार्टी को तो चूंकि जहां हमारा जनाधार है, हमारी पार्टी दावा किया है माननीय हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद जी द्वारा, और उन्हीं के आदेश पर हम लोग तमाम कार्यकर्ता जो है सीट के दावा कहते हैं कि हमको पलामू, चतरा, कोडरमा ये सब जगह पर हमको लड़ना चाहिए। बहुत जल्द ही है, हमको लगता है कि 1 या 2 दिन के अंदर या राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अति आ जाएगा और इसको औपचारिक रूप से जो बाकी रह गया है उसको घोषणा भी हो जाएगा। आपको लगता सर कि देर हो रही है, थोड़ा सीट शेयरिंग जल्दी हो जाता, तैयारी करने का मौका मिलता? लग रहा है जिनका भी हम भी एक चुनाव लड़ने के लिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आरजू किया है। माना जाए कि कामेश्वर बैठा जी यानी आप परामू से राजद के उम्मीदवार होंगे? माना जाए मतलब हमको तो हार्दिक इच्छा ये है, देना तो है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ना। बाय द वे, कामेश्वर बैठा को टिकट नहीं मिला तो? नहीं मिला, जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के थ्रू जो भी कैंडिडेट आएगा मैं उनको सम्मान करूंगा है? और जितना मेहनत, जितना भी खून पसीना लगाना होगा लगा करके उनको जिताने का काम करूंगा। ये हमारे साथ राजद के नेता पलामू से पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा। अच्छी बात कह रहे थे कि जो भी उम्मीदवार होगा उनके लिए वो मेहनत करेंगे, हालांकि हार्दिक इच्छा है कि राजद उन्हें पलामू से उम्मीदवार बनाए। जाहिर सी बात है बीडी राम सिंह का मुकाबला होगा यदि उन्हें टिकट मिलता है तो। कामेश्वर बैठा जीतेंगे हारेंगे ये वक्त की बात है, लेकिन इनकी अपनी तैयारी मुकम्मल है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।